आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, हर तरफ चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम पार्टियां जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। नगर संग्राम में आज बीजेपी ने अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नगर संग्राम में हमारे साथ योगिता यादव रहेंगी। बता दें कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार है, बीजेपी ने अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है। जनता के बीच इनका खासा जनाधार है। इन्होंने कोरोना काल में बहुत ही लोगों की मदद की थी। आपको बता दें कि जनता के बीच इन्होंने एक बेहतर छवि बनाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें पार्षद उम्मीदवार बनाया गया है। 13 शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार बनाई गई हैं योगिता यादव। नगर संग्राम में आज हम इनसे बातचीत करेंगे। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार का भी दौर जारी है लगातार। इसी बीच प्रत्याशी जो है जनता के बीच जाकर उनसे उनका समर्थन मांग रहे हैं। एक बार वो फिर से अपने जनता का समर्थन ले रहे हैं। और नगर संग्राम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे योगिता यादव, जो कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार है। बीजेपी ने अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है। कोविड महामारी में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जनता की सेवा की थी। जनता के बीच इन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इन्हें उम्मीदवार बनाया है। भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार है योगिता यादव, जो कि आज नगर संग्राम में हमारे साथ बातचीत करेंगी। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग है, 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है, वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसी बीच लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं करें, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों या छोटी पार्टियां हों। लगातार नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं। और आज नगर संग्राम में हमारे साथ हैं योगिता यादव, जो कि 13 शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने इन्हें अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि योगिता यादव जनता के बीच अपनी एक अलग छवि बनाई हुई है। कोरोना काल में उन्होंने जनता का बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, असहाय गरीबों की उन्होंने मदद की थी, जिनसे हम आज बातचीत करेंगे। तो नगर संग्राम में आज हम बातचीत करेंगे योगिता यादव से, जो कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार है। बीजेपी ने अपना इन्हें पार्षद उम्मीदवार बनाया है। जनता के बीच इनका खासा जनाधार है। कोरोना काल, जो कि देश दुनिया कोरोना काल से जूझ रहा था, देश दुनिया के लिए बड़ी समस्या थी। इसी समस्या में इन्होंने गरीबों की, असहायों की मदद की है, जो कि इनकी एक अलग छवि बनाते हुए जनता का समर्थन इन्हें भरपूर मिलने को बताया जा रहा है। बता दें कि कोविड महामारी में इन्होंने जनता की सेवा की थी। नगर संग्राम में आज हम योगिता यादव से बातचीत करेंगे। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। योगिता जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए और आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है अभी तक, हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। शहीद भगत सिंह प्रथम 13 के प्रत्याशी योगिता यादव, और मैंने जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनी है और उसका निवारण करने के लिए जो भी मैं हो सकेगा मैं वो करूँगी। योगिता जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आप किसको मानती हैं? जी, मेरे मार्गदर्शक तो मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे आगे आने में मेरी मदद की है बहुत। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आपकी पत्नी योगिता यादव पार्षद पद की उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझे इस लायक समझा। मैं भारतीय जनता पार्टी का इस धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस ऐसी जिम्मेदारी देके, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके इस शहीद भगत सिंह वार्ड के विकास की अहम भूमिका निभाने का काम सौंपा है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। आपने अपने राजनीतिक सफर में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया है अभी तक? राजनीतिक सफर में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। अनेक सी चुनौतियाँ होती हैं और ऐसी चुनौतियाँ आती हैं जो, लेकिन हम लोग बराबर निरंतर काम करते गए और जो भी चुनौती आई उसको स्वीकार किया और डटकर सामना करके आज इस भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है, ये हर कार्यकर्ता को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी एक समान कार्यकर्ता को नज़र में रखती है, किसकी कहाँ उपयोगिता है, उस प्रकार की उपयोगिता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकर्ता को सम्मान देती रहती है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं अभी? हमारे क्षेत्र में बहुत, क्योंकि यहाँ 30 सालों से कभी कमल नहीं खिला है और बहुत सी सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ इस हमारे वार्ड में पांच गांवों की ज़मीनें हैं जो सहकारी आवास संघ द्वारा अधिकृत कर लिया, बिना मुआवजा दिए अधिकृत कर ली गई हैं और इन ज़मीनों को जुट छुड़ाने में जो हमारा सहयोग रहेगा, किसानों को मदद कराने में पूरा सहयोग किया जाएगा। दूसरी समस्या है कि इस क्षेत्र में कोई शमशान घाट नहीं है, जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको यहाँ से भैंसाकुंड ले जाना पड़ता है। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना किराया नहीं होता है कि वहाँ तक वो गाड़ी के माध्यम से ले जा सके। ऐसे में एक शमशान घाट की भी आवश्यकता है और हमारे यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर जिसमें बारात घर की आवश्यकता भी है हमारे वार्ड में, कि बहुत से गरीब परिवार यहाँ रहते हैं जो बड़े बड़े लॉन नहीं बुक कर सकते हैं। गरीब कन्याओं किसी तरह पैसा इकट्ठा करके शादी करते हैं, तो कोई कम्युनिटी सेंटर अगर हो जाएगा तो उन कम्युनिटी सेंटर में उन गरीब बच्चियों की शादी करने का जो है सौभाग्य मिलेगा। ऐसे कार्य हम लोगों की नज़रों में हैं। तो अरविंद जी, अगर जनता का समर्थन आपको मिल जाता है तो 5 ऐसे कौन से काम है जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे? पर सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की सड़कें जो है सबसे दुर्दशा खराब है, सबसे सड़कों का सही करेंगे। मार्ग प्रकाश हो गया, जल भराव की समस्या जो है वो भी, जल भराव की समस्या भी दूर की जाएगी और सड़कें की समस्या हो गया, स्वच्छता की समस्या है। इन सब समस्याओं को हम लोग जो है दूर करने का काम करेंगे। मैं योगिता जी से जानना चाहूँगी, आप एक महिला हैं, महिलाओं और बेटियों के लिए आप क्या कुछ करना चाहती हैं? सर्वप्रथम तो मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य है चलाया गया है अच्छी तरह से करने का मतलब है, और जो है महिलाओं की शिक्षा है, और जो है महिलाओं की शिक्षा है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब चीज़ में कार्य करूँगी आगे। अरविंद जी, जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको बताती है कि ये हमारे क्षेत्र में ये सबसे बड़ी समस्या है, इसका निस्तारण करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या सड़कों की समस्या है और जल भराव की समस्या है और साफ सफाई की समस्या। अरे कई समस्या हैं जो हमारे वार्ड में हैं और इससे पहले जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी हम पूर्ण करने का कार्य पूरा करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस समस्याओं को पूर्ण कर सके। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन अपने चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? नहीं, जो जनता का जो प्यार हम लोगों को मिल रहा है उससे तो प्रतिद्वंदिता का कोई वही नहीं है। और पब्लिक जो है, यहाँ के वार्ड की जनता, हमारी माताएं बहनें जो प्यार दे रही हैं, हम लोग प्रचार करने के लिए जाते हैं वहाँ पर जनता प्रत्याशी के स्वागत में ढोल नगाड़े से स्वागत करती है, जैसे कि लगता है कि जो है जनता पर पूरा विश्वास है कि हम लोगों पर विश्वास है कि हम लोग इस वार्ड को चमका सकते हैं, इस वार्ड का विकास कर सकते हैं, इस वार्ड के विकास को गति दे सकते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार बहुत सारी योजनाएं देती हैं गरीब असहायों को, जैसे कि पीएम आवास हुआ, शौचालय हुआ, ये जनता तक लेकिन धरातल पर कहीं कहीं नहीं पहुंच पाता है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ज़्यादातर धरातल पर पहुंचा है। शौचालय है, आवास है, गैस सिलेंडर है, कई सारी योजनाएं हमारे केंद्र की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल पर पहुंच रही हैं। पहले की सरकारें जैसे थी तो उनमें धरातल पर नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब पहुंच रही हैं। लेकिन जिन अभी जो वंचित रह गए हैं, आवास से वंचित रह गए, शौचालय से वंचित रह गए, गैस सिलेंडर से, स्वास्थ्य सेवा से वंचित रह गए हैं, उनको भी उनका जो भी है वो दिलाने का काम करेंगे। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य का भी होता है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या समस्या आप पा रहे हैं इसमें? शिक्षा और स्वास्थ्य तो हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा सुधार किया है शिक्षा और स्वास्थ्य में, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर बहुत सहयोग किया है, तो सुधार हो रहा है। जो मूलभूत समस्या हमारे वार्ड में शिक्षा को लेकर सुधार और स्वास्थ्य को लेकर होंगी तो उनको भी दूर करने का काम हम लोग करेंगे। योगिता जी से जाना चाहेंगे, योगिता जी, अब जब आप जनता के बीच जा रही हैं तो आप कौन कौन सी समस्याएं देख रही हैं अपने क्षेत्र में? जी, मैं जनता के बीच में गई हूँ तो मुझे सबसे बड़ी समस्या तो सड़कों की होती है, क्योंकि मैं किसी भी वार्ड में गई हूँ तो वहाँ लोगों का यही है, सबसे बड़ा शिकायत रही मुझसे, कहते हैं कि यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, और बारिश में जलभराव बहुत होता है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे इनकी यही दी, क्योंकि हर वार्ड में जाने पे लोग बहुत रुष्ट दिखे हैं कि यहाँ हमारे घर तो बन गए पर सड़कें नहीं बाहर हैं। अरविंद जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कैसा अनुभव करते हैं और अभी तक का सफर कैसा रहा है? पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया है उससे जनता जो है, जनता भी देख रही है, और अनुभव की बात है तो मैं पहली बार ये पार्षदी का चुनाव मेरी पत्नी लड़ रही हैं, और मेरे बगल में ये पूर्व पार्षद जी हैं जो बहुत ही अनुभवी पार्षद हैं। इनके कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारा कार्य यहाँ कराया, विकास कराया है। जी बताइए। हाँ, काशीराम जी हैं, इनका भी अनुभव मैं शेयर करूँगा, और जो है इनका साथ मुझे मिला है। आज इन्होंने भारतीय समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और इन्होंने बहुत से कार्य यहाँ पर करवाए हैं, और मैं इनका भी इनसे विचार विमर्श करके और विकास कार्य गति लाने का काम करूँगा। जी, जाते जाते हम आपसे जाना चाहेंगे कि आप प्राइम टीवी के माध्यम से अपनी जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं प्राइम टीवी के माध्यम से अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हम पर भरोसा जताकर ये भारतीय जनता पार्टी का इस शहीद भगत सिंह वार्ड का पार्षद का प्रत्याशी घोषित किया, मेरी पत्नी को, श्रीमती योगिता यादव जी को, मैं इस वार्ड की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस वार्ड की जनता जो भरपूर प्यार दे रही, ये प्यार हमेशा ऐसे बना रहे, और जो 4 तारीख को मतदान है उसमें अपने घरों से निकल करके श्रीमती योगिता यादव के पक्ष में कमल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। योगिता यादव जी, आप अपने जनता से क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे पर एक बार भरोसा करके मुझे भारी से भारी मतों में वोट करें, और मैं काशीराम जी से जो मेरे साथ हैं उनके साथ सहयोग में रह के जो मुझे नहीं पता है मैं सीखूंगी और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूँगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी। योगिता जी, तो पार्षद प्रत्याशी थी बीजेपी की तरफ से योगिता यादव, जिन्होंने अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में हमसे बातचीत की। कोविड महामारी में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आपको बता दें कि नगर संग्राम में योगिता यादव हमारे साथ जुड़ी हुई थी। 13 शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने इन्हें अपना पार्षद उम्मीदवार बनाया है। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।